यूपी के बिजनौर में किसान एक्सप्रेस दो हिस्सों में बट गई। इंजन 13 बोगियों को लेकर 4 किलोमीटर आगे निकल गई, 8 डिब्बे पीछे ही छूट गए। हादसे के वक्त ट्रेन की स्पीड करीब 80 से 90 किलोमीटर थी। किसान एक्सप्रेस 13307 झारखंड के धनबाद से पंजाब के फिरोजपुर जा रही थी। हादसा मुरादाबाद के आगे से होरा और धामपुर स्टेशन के बीच रविवार सुबह 4 बजे हुआ। गनीमत रही कि कोई भी यात्री चोटिल नहीं हुआ। चक्रामाल गांव के पास S3 और S4 डिब्बे को जोड़ने वाली बोगी की कपलिंग टूटने की वजह से हादसा हुआ। गार्ड ने ड्राइवर और अफसरों को इसकी सूचना दी। थोड़ी देर में रेलवे टीम मौके पर पहुंची। 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद डिब्बो को ट्रेन से जोड़ा गया। S4 बोगी को टेक्निकल समस्या के चलते रोक लिया गया है।